300 pages, so I have to complete all of that. 5 subject hai aur itna sara syllabus. I do not know what to do. Hello everyone, myself Lakshya, and today is the first day of my 5th semester and I am very excited to get started with it. So 3 days are left for my exam and I just do not know what to do. अभी मेरे कोर्स में 6 सब्जेक्ट्स हैं प्लस एक NSS जिसके अंदर सिर्फ हमें वर्कआउट्स कलेक्ट करने होते हैं. एक सब्जेक्ट का एनसेम इज ऑलरेडी डन बिकॉज इट वॉज अ लैब, तो लैब के एनसेम्स जनरली पहले हो जाता है. बट नाउ आई हैव 5 सब्जेक्ट्स. 5 सब्जेक्ट हैं और इतना सारा सिलेबस है, और सिलेबस क्या है वो नहीं पता अभी मुझे. सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. This is Lakshya Mittal and I am a third year student at IIT Guwahati. So after having 3 online semesters and 1 partially offline semester, I finally have 1 fully offline semester. और अब मेरे NCERT exam शुरू होने वाले हैं. So I just have 3 days and maybe less than that because अब रात होने वाली है. So मेरा third day भी almost gone. So in this video, I am basically going to share everything about my preparation. Last days में कैसे कैसे prepare करते हैं हम लोग. Everything I'm going to share in this video. मेरी कंडीशन ये है कि अगर मिडसेम के मार्क्स कैलकुलेट करें तो मैं 3 सब्जेक्ट्स में तो पास हो जाऊंगी, बट 2 सब्जेक्ट्स में मेरा डाउट है बिकॉज अभी उतने मार्क्स नहीं आए हैं मुझे, एंड वो सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल भी लगते हैं मुझे. सो मुझे डाउट है कि मैं पास होंगी कि नहीं. तो बेसिकली उन 2 सब्जेक्ट्स को करना ही इज़ माई बेसिक मोटो. ऑब्वियसली CPI को इंक्रीज़ करना है बिकॉज अगर CPI इंक्रीज़ नहीं हुई तो फिर प्लेसमेंट सीजन में बहुत दिक्कत आने वाली है. आई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव बट शायद उतना नहीं हो पाया जितना मैंने सोचा था. तो अभी मैं डिनर करने गई थी एंड आफ्टर हैविंग डिनर आई कॉल माई फ्रेंड टू ब्रिंग नोट्स फॉर मी. तो वो मेरे लिए नोट्स लेके आया और फिर मैंने जल्दी से उसकी फोटोग्राफ ले ली सो दैट आई कैन स्टडी. तो अभी धीरे धीरे मैंने मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि लास्ट मोमेंट पर मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 पूरे दिन हैं जिसके अंदर मैं थोड़ा पढ़ाई कर सकती हूँ. तो लेट्स सी कि मैं उन नोट्स को कर पाती हूँ कि नहीं. आज का प्लान ये है कि मैं आज जो मेरा पेपर परसों है उसके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो भी पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज़ एक दिन में शायद ना हो पाए. तो थोड़ा बहुत अब मैं सुबह वो पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद लेट्स सी कि आगे क्या क्या पढ़ना है. सो इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव डे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जस्ट हैव 1 मोर डे टू गो, फिर उसके बाद मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे. एंड आज मैंने बहुत सारे चैप्टर्स किए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स किए ओवरऑल. सो लाइक आई वॉज स्विचिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू ऑप्टिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स. और मज़े की बात यह है कि मैंने जो चैप्टर्स जिसके अंदर मुझे लगता था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी, वो सब्जेक्ट्स अभी तक नहीं शुरू किए हैं बिकॉज मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया. आई एम लाइक कि नहीं, मुझे अब CPI अगर इंक्रीज़ करनी है तो जो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें मैं पहले अच्छा परफॉर्म कर चुकी उनको और अच्छा बनाते हैं, बाकी को साइड में रखते हैं अभी के लिए. सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. अचानक से ये स्ट्रैटेजी मेरे मन में आ गई, बट आई एम हैप्पी दैट टुडे आई वॉज प्रोडक्टिव, रियली प्रोडक्टिव. सो लेट्स सी कल और परसों क्या होता है मेरे साथ व्हेन आई विल फाइनली गो एंड गिव माय एनसेम. So the strategy that that I'm gonna follow is that first of all I'll be revising the class notes, basically studying them for the first time. तो वो मैं करूँगी and it's approximately 300 pages, so I have to complete all of that and it's 8 to 9 chapters I guess. So कल मैंने थोड़ा बहुत statistical mechanics किया था but couldn't do it well, so आज मैं अच्छे से उसको complete करूँगी. आई होप आई कम्प्लीट इट. तो वो करने के बाद जल्दी से एक बार नज़र लगा मतलब देखूँगी अच्छे से, एंड देन आई विल मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आई विल मेक श्योर कि कौन कौन से टॉपिक्स आए, उन टॉपिक्स को आई विल डू सबसे पहले, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. सो आई विल मेक श्योर कि मैं वो पहले करूँ,
और फिर उसके बाद आई हैव टू स्टडी फॉर क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज परसों वो पेपर है एंड इट्स वेरी टफ टू यू नो मैनेज एवरीथिंग एट द सेम टाइम. तो कल अगर मैंने सारा क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ में कर लिया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. सो आई डू क्वांटम मैकेनिक्स टू टुडे प्लस आई हैव अ क्लास. सो इन IITs देयर इज दिस थिंग दैट जो एंड सेम्स होते हैं मिड सेम्स होते हैं दोज आर रेगुलर, लाइक बीच में एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है. प्लस कल मेरा एंड सेम शुरू है एंड आज मेरी क्लास है, मेरी कल भी क्लास थी. तो यू डू नॉट गेट अ प्रिपरेटरी लीव फॉर सिंगल डे. तो आज मैं क्लास में जाऊंगी बिकॉज इट्स कंपल्सरी फॉर मी टू गो इन द क्लास. तो आज मेरे को जाना पड़ेगा क्लास में. तो ये सब करने के बाद आई विल फर्स्टली गो टू द क्लास, फिर उसके बाद मैं फिर से आऊँगी, देखते हैं फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. 3 hours later. So I'm leaving for my class now. कल मेरा एग्जाम है और मैं क्लास में जा रही हूँ. I don't understand कि ये लोग हमें लास्ट टाइम पे क्यों सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं. अब लास्ट टाइम पे बच्चा पढ़ेगा या अपना सिलेबस कंप्लीट करने जाएगा. बट इट्स अ कंपल्सरी क्लास टुडे सो आई हैव टू गो, नहीं तो मैं मिस कर देती. सो क्लास में जाते हैं फिर जल्दी से आके पढ़ाई करेंगे. लेस देन 24 hours लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम और अभी तक मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई की है. आई हैव टू स्टडी मोर, प्रीवियस ईयर्स करने हैं प्लस क्वेश्चंस देखने हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली. बट वो क्वेश्चंस तब तक नहीं होते जब तक यू डू नॉट प्रैक्टिस एंड रिवाइज ऑल द थ्योरी पार्ट. तो पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा. प्लस यहाँ पर इतनी ठंड है तो आई डोंट नो इतनी ठंड में पढ़ते कैसे हैं, पहले तो मुझे कोई ये बता दो. मेरे को तो एडजस्ट करना पड़ेगा बट यू कैन स्टडी फ्रॉम द कम्फर्ट्स ऑफ योर होम. मैथन गो ब्रिंग्स यू द मोस्ट अमेजिंग जे मेन्स 2023 टेस्ट सीरीज. इट हैज़ ओवर 20,000 प्लस क्वेश्चंस विद अराउंड 588 टेस्ट. तो आपको टेस्ट कहाँ से देना है उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ टॉपिक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो जो लोग मुझसे पूछे थे ना दीदी कहाँ से करूँ, तो उनके लिए सोल्यूशन है कि आप यहाँ से करो ये सारी चीज़ें. प्लस आपको सोल्यूशंस मिलेंगे एंड यही नहीं, सोल्यूशन के साथ साथ यू विल गेट 20 टेस्ट जिसके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलेंगे. प्लस यू विल गेट टू हैव 2019 से लेकर 2022 के पेपर्स जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद सॉल्व करके. और जो आपने सॉल्व किया है यू गेट टू हैव अ 15-page डिटेल्ड एनालिसिस. एंड इतना सब कुछ आपको मिलता है फॉर जस्ट 6,000 रुपीज़. And if you use my coupon LAKSHYA Lakshya, then you can get an additional discount of around 1500 rupees, which means that you can get it only for 4500 rupees. And one more banger is that you'll get 100% money back if you score 99 percentile in JEE Mains 2023. तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए यार, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन गो चेक इट आउट बिफोर इट एंड्स. जस्ट वाज़ अ लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सो आई एम इन द कैंटीन टू हैव माई ब्रेकफास्ट. तो अभी बज रहे हैं बॉक्स 12:15 के आसपास और 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है. तो फाइनली मैं एग्जाम शुरू हो जाऊँगी और मैं जाऊँगी वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए. फिर अगले दिन फिर से मेरा एग्ज़ाम है और अगले दिन फिर से सो बैक टू बैक आई हैव 4 एग्ज़ाम जो मुझे देने हैं. इतना खाली आएंगे मैंने अपनी मम्मी के आज तक नहीं देखा क्योंकि एग्जाम ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं. जैसे ही मतलब पेपर्स ख़त्म होंगे, पेपर्स देखे बच्चे आएंगे तो ये कैंटीन बहुत ज़्यादा भर जाएगा. सो वो भी देखोगे ना आपको. अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 30-40 मिनट्स ही रिमेनिंग है. सो मैं जा रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट लेट. तो अब मैं जाती हूँ, देखते हैं कैसा जाता है मेरा एग्ज़ाम. So I'm finally done giving my first exam and it was okay-ish. Like kuch questions kiye hue the, kuch questions nahi kiye hue the, but overall it was a good paper. To chalo ab ek paper to complete ho gaya, ab now it's time for the next 4 papers.
वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर कमिंग टू IIT इज अब कितना भी ट्राई मार लो पढ़ाई तो आखिरी दिन ही होती है और जितनी अच्छी पढ़ाई आखिरी दिन होती है ना वो और किसी दिन बिल्कुल नहीं हो पाती. ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव योर बेस्ट. अच्छे से पढ़ाई करो, फाइट टिल द लास्ट मोमेंट, और इसके बाद यू नो व्हाट टू डू, थ्रो ऑल योर वरीज अवे एंड एंजॉय.